गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी स्टार्ट आर एक्सरसाइज 13.3. इन दिस एक्सरसाइज वी लर्न अबाउट द कन्वर्जन ऑफ शेप्स. मीन्स एक शेप है, उस शेप को मैंने मेल्ट किया और दूसरी शेप में कन्वर्ट किया और फिर वहाँ से कोई एक मेजरमेंट मुझे फाइंड करना होगा. वेरी सिंपल एक्सरसाइज. सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि मेरे पास एक स्फीयर गिवन है, उसका रेडियस मेरे पास गिवन है, मैंने उसको मेल्ट किया. तो जब मेल्ट किया तो यानी उसका वॉल्यूम, वो जिस मैटर का बना हुआ है, वो पूरा मटेरियल को मैंने चेंज कर दिया, उसकी शेप चेंज कर दी स्फीयर से. अब मैंने उसे सिलेंडर बना दिया. तो सिलेंडर के लिए मुझे एच और आर दो चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है. ठीक है, वहाँ अब मुझे फाइंड करना, वहाँ मुझे सिलेंडर की रेडियस गिवन है और सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इट मीन्स वॉल्यूम मेरा सेम रहा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मैंने कन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास होता है 4/3 πr³. अब यहाँ मैं r कैपिटल ले रही हूँ क्योंकि स्मॉल r मैं सिलेंडर में ले लेती हूँ. यहाँ हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h. ओके, अब यहाँ पाए और पाए मेरे कैंसिल हो सकते हैं, तो 4/3 इंटू आर, जो आर है मेरा, ये हमारे पास गिवन है 4.2. तो 4.2³ इज इक्वल टू, ये जो स्मॉल आर है ये हमारा है 6 × 6 इंटू एच मुझे फाइंड करना है, और जब एच हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.74 मीटर. ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर. फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर. इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन स्फीयर है, जो तीन स्फीयर हैं, इन तीनों का मेरे पास अलग अलग रेडियस गिवन है. इन तीनों को मेल्ट किया मैंने और सिंगल सॉलिड बड़ा वाला मैंने स्फीयर बनाया, तो मुझे उस बड़े वाले की रेडियस फाइंड करनी. इट मीन्स जो फर्स्ट, जो वॉल्यूम ऑफ S1 यानी स्फीयर 1, वॉल्यूम ऑफ S2 मीन्स स्फीयर 2 और वॉल्यूम ऑफ S3 यानी स्फीयर 3, तीनों को मेल्ट करके मैंने वॉल्यूम बनाया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बड़ा वाला स्फीयर. ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ मैंने लिया, 4/3 πr²³ मैंने लिया एंड 4/3 πr³³ मैंने लिया. ओके, दिस इज इक्वल टू 4/3 πR³. ओके, यहाँ सबसे मैंने 4/3 π कॉमन लिया, तो ये मेरे पास r³ प्लस r²³ प्लस r³³ इज इक्वल टू 4/3 πR³. तो 4/3 π कैंसिल, यहाँ से r जो है r1 दिस इज 6 सो 6³, r2 इज 8 सो 8³, r3 इज 10 सो 10³ इज इक्वल टू, ये मेरा कैपिटल r मुझे फाइंड करना है. जब इस सब को मैं सॉल्व करती हूँ तो ये मेरा आता है 1728, और कैपिटल R जब मुझे यहाँ निकालना है तो मुझे इस सब का क्यूब रूट करना होगा 1728, तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर आता है कैपिटल R. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर. फाइंड इट्स हाइट. तो यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास एक वेल है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक वेल है. इस वेल का मेरे पास डायमीटर 7 मीटर, डायमीटर मेरे पास इसका 7 मीटर गिवन है और डेप्थ जो है ये मेरे पास 20 मीटर गिवन है. इसकी मैंने एक डिगिंग की और डिगिंग करने पर जो भी मिट्टी मेरे पास आई मैंने उसको इसके चारों तरफ इस तरह से क्यूबॉइड शेप में इसे स्प्रेड कर दिया. ठीक है, इट मीन्स इसका जो मटेरियल है यानी इसकी जो मिट्टी है, इसका जो वॉल्यूम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूबॉइड में. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरा कन्वर्ट हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr², वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है ये मेरा होता है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेरे पास होता है कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H. तो यहाँ से मैंने वैल्यूज पुट की 22 अपॉन 7, R जो है, R मेरा है क्योंकि इसमें मेरे पास 7 मीटर डायमीटर है, तो 7/2 × 7/2 × H, H इज 20, इज इक्वल टू लेंथ मेरे पास गिवन है 22
एंड ब्रेथ मेरे पास गिवन है 14 और हाइट मुझे यहाँ फाइंड करनी है। और जब हम हाइट फाइंड करते हैं कैलकुलेट करने पर ये मेरा आता है 2.5 मीटर। ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट टू ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्क्यूलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। इस क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था सेम वैसा ही ये क्वेश्चन, बस उसमें शेप चेंज हो गई है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है यानी वॉल्यूम ऑफ जो वेल है वो किस में चेंज हुआ, वो मैंने जो बनाया है वो इस तरह से बनाया। देखिए ये इस तरह से बना है क्योंकि सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट मेरा करीब करीब ये ऐसे बना है। ओके, तो इसमें ये चीज़ इस तरह से भरी हुई है, ये ऐसे सर्कुलर रिंग, एक मतलब एक पाइप आप इमेजिन करो, पाइप है और उसकी विड्थ है एक। ओके, तो इस तरह से ये एम्बैंकमेंट मैंने उसमें बनाया है। अब उसकी मेरे पास विड्थ गिवन है, यानी विड्थ गिवन है, तो कैपिटल आर जो होता है विड्थ, जब यदि हमारे पास गिवन होती है तो उसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस दो पार्ट होते हैं। आउटर रेडियस जो है हम इनर रेडियस में विड्थ प्लस करके निकालते हैं। क्लियर, तो यहाँ से जो कैपिटल आर निकलेगा, स्मॉल आर तो वही होगा जो वेल का है, यानी वेल का मेरे पास 3 मीटर डायमीटर है तो 1.5 इसकी रेडियस हो गई, प्लस विड्थ 4, इट मीन्स 5.5 मेरे पास इसकी कैपिटल आर हो गई। ओके, अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये जो है इसको मैं सर्कुलर पार्ट बोल देती हूँ, सर्कुलर रिंग। ओके, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग है ये हमारे पास जो एरिया होगा आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर हम इसमें यूज़ करेंगे, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ ये आर और ये आर सेम है तो मैं इसे स्मॉल आर लिख देती हूँ और इसे मैं एच स्मॉल एच लिख देती हूँ। कैपिटल एच मेरी इसकी हाइट हो गई और ये पाई आर स्क्वायर एच, ये इस तरह से ये मैंने मेजरमेंट लिखे। पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, आर जो है ये मेरे पास 1.5 है तो 1.5 स्क्वायर, और हाइट मेरे पास जो वेल की है दैट इज़ 14 इज इक्वल टू कैपिटल आर मैंने निकाला 5.5, सो 5.5 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर जो है ये है मेरा 1.5, सो 1.5 स्क्वायर इनटू हाइट, यहाँ मुझे ये फाइंड करनी है। और जब हम इसे कैलकुलेट करके जब हम हाइट निकालेंगे तो ये हमारी आएगी 1.125 मीटर। ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मेरे पास एक बड़ा कंटेनर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप है और इसमें से इसकी आइसक्रीम निकाल निकाल कर मैंने बहुत सारे कोन्स मैंने इसमें फिल किए हैं। तो सपोज़ मैंने n नंबर ऑफ़ कोन्स फिल किए हैं तो n इंटू एक कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, कोन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो n इंटू कोन का जो वॉल्यूम है ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैं लिख रही हूँ पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। यहाँ से ये पाई और पाई कैंसिल, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ जो हमारी है ये हमारी है। अच्छा, अब इसमें देखिए एक चीज़ और ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो कोन फिल कर रहे हैं इसने लिखा है कि फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप। तो ये ऊपर एक शेप हेमिस्फेरिकल शेप तक वो आइसक्रीम को फिल कर रहा है, इट मीन्स जो कोन का जो वॉल्यूम है ये हमारा इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, यानी यहाँ से मैं प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से पाई ये वाला भी कैंसिल होगा, ठीक है, कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद हम वैल्यूज़ रखेंगे तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी ये वैल्यू आएगी n इंटू, अब हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो 1/3
इंटू आर स्क्वायर, आर जो है ये मेरे पास है 3, तो 3 स्क्वायर क्योंकि 6 सेंटीमीटर इसमें डायमीटर गिवन है, इंटू मेरे पास h हाइट ऑफ कोन जो है दैट इज़ 12, ओके यहाँ मेरे पास ये 12 गिवन है और 12 सेंटीमीटर, इट्स 12 सेंटीमीटर एंड प्लस 2/3 और आर क्यूब, आर जो है हेमीस्फेयर की जो मेरे पास गिवन है, हेमीस्फेयर का जो डायमीटर और कोन का डायमीटर दोनों सेम ही है, तो ये मेरे पास 3 क्यूब ओके इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच, आर जो है ये कैपिटल आर जो है ये है मेरा सिलेंडर का रेडियस, तो सिलेंडर का मेरे पास डायमीटर 12 है, इट मीन्स ये हो गई रेडियस 6 स्क्वायर इंटू हाइट मुझे यहाँ फाइंड सॉरी एन मुझे फाइंड करना, हाइट मेरे पास गिवन है, हाइट है 15, तो ये हो गया 15 ओके इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ एन जो है ये मेरे पास सॉल्व करने पे आता है 10 ओके नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं 10, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5, तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपको करने हैं, ठीक है, कंप्लीट इन योर क्लास वर्क कॉपी ओके थैंक यू सो मच।